ये भी लगभग 750 सीढ़ियां है। तो दोस्तों ये है जोना फॉल रिजॉर्ट, तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। और ओह माय गॉड, और ये देखिए शायद हम पता नहीं आगे जा पाते हैं कि नहीं। ट्रॉलर है, देखो हरा भरो रुपया है सारा। तो देखिए ये रास्ता जो हम जा रहे हैं, ये रास्ता एक ऑल्टरनेटिव रास्ता है, जो कि आप सीढ़ियां अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो हम भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये रास्ता कच्चा रास्ता है और ये लगभग जो फॉल है उसके जस्ट पास में ही ये पहुंचता है, तो सीढ़ियां को अवॉइड करने के लिए हमने ये रास्ता को चुना है। देखते हैं ये हमें कहाँ तक लेके जाता है। देखिए इसकी ब्यूटी भी अलग है, एक पूरा जरा भरा हुआ जंगल है, लग रहा हम कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं, हमें लग रहा है हम चूना की तरफ जा रहे हैं कि और कहीं गहरे बिहड़ में जा रहे हैं। और गाड़ी का जो देखिए, तो बारिश तो बहुत हो रही है और इसमें भी एक एडवेंचर, हमारा ऑफ रोड ट्रैकिंग हो रहा है गाड़ी में। सामने एक और पक्की रोड आ गई है, तो हमने ये सारा जो ड्रामा किया है सिर्फ सीढ़ियां को अवॉइड करने के लिए। सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं ये हमें जाके वहां पता लगेगा। तो देखिए एक ऑटो भी वहां है, वो अगर ऑटो यहां आ सकता है तो हमारी गाड़ी क्यों नहीं जा सकती। तो चलिए ये हमने एडवेंचर लिया और आप देखिए ब्यूटी को, देखिए छोड़िए भूलिए हमारा ये रास्ते को, आप ये नेचुरल ब्यूटी कभी आपको शहरों में नहीं मिलेगी। आगे देखिए एक छोटा सा ब्रिज है, हम उसे पार करते हैं। दोस्तों ये आपका कैमरा जर्किंग काफी हो रहा है, तो आप सोच ही सकते हैं। नदी मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि अभी बारिश का मौसम हुआ है। चलिए एक अच्छी रोड मिल चुकी है हमें, अब ये शायद हमें, ओह माय गॉड, ये तो अरे ओह माय गॉड, ये रोड टूटा हुआ है आगे। चलिए आगे एक रास्ता टूटा हुआ है और हम देखते हैं कि हमें रिस्क लेना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। और ये देखिए ये पाइप है और ये रिसेंटली ये टूट चुका है, शायद हम पता नहीं आगे जा पाते हैं कि नहीं। हाल है क्या? हाँ सीधा सीधा क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ 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 लेके लेके आजा 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 जल्दी 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 पार कर, पूरा पार, वेट ना। हाँ चल चलो ठीक है, चलो चलो हाँ बस 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 ठीक है। और बाइक, तो चलिए हमने जो रिस्की रास्ता बहुत मुश्किल से पार किया है, हमने हिम्मत जुटाई और गाड़ी हमारे पार कर ली हमने। तो दोस्तों ये है जोना फॉल रिजॉर्ट, 24/7 रिजॉर्ट ओपन लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पिकनिक पार्टी, रिवर और वाटरफॉल फैसिलिटी के लिए फेसिंग रूम है यहाँ पर, लेकिन हमें कोई अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो इसी रिजॉर्ट के नाम पर हम नीचे आए हैं और आप जो रास्ता हम आए हैं ये रिजॉर्ट यहीं पर पड़ता है। तो इस रिजॉर्ट के रास्ते पर ही एक आपको गूगल मैप में ये रास्ता नज़र आएगा। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है और बारिश के चलते हम अंदर नहीं जा रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए हम सॉरी हैं। ये देखिए ये नदी है, तो हम लोग भी पहुंचने वाले हैं। तो ठीक है, तो ये एडवेंचर आपको मैंने दिखा दिया। देखिए दोस्तों ये एडवेंचर आपको नहीं मिलने वाला अगर आप सीढ़ियों से आते हैं तो। अगर वाकई आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ऐसे जंगलों में आइए और इस तरह कैलकुलेटेड रिस्क है। ये देखिए नीचे गाड़ी दिखाई दे रही है मुझे, हाँ एक गाड़ी आई है तो दूसरी हमारी भी गाड़ी है, तो हम
यहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देखिए हमारी जो यात्रा सफल हो रही है और होगी भी, तो जुना फॉल हम आखिर में पहुंच ही चुके हैं और भी गाड़ियां हैं नीचे में। गाड़ी है? हाँ चलिए, हाँ गाड़ी है नीचे में, चलिए चलिए चलिए, है नीचे गाड़ी, चलिए। हाँ चलिए, वेलकम का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ देखिए, जूना फॉल्स पार्क। और ये देखिए जूना फॉल्स हमें नजर आ गया है, आप गाड़ी धीरे से चलाइए। हाँ हाँ तो चलिए, हम सभी के चेहरे सूख चुके थे लेकिन अल्टीमेटली हमने इस जगह पर आ ही चुके हैं। और ये मैं देखिए आपको पहला व्यू दिखा देता हूँ जूना फॉल्स का, ओ माय गॉड। तो वेलकम गाइस, हम जूना फॉल्स पहुंच चुके हैं क्योंकि हमने एक लंबा एक जंगल का रास्ता लिया था, बहुत ही रिस्की था सर दोस्तों, बहुत ही रिस्की था जैसे मैंने आपको दिखाया है। और ये करीब करीब रांची से आपको लगभग 60 किलोमीटर ये आपको पुरुलिया वाले रास्ते में, मूरी पुरुलिया वाले रास्ते में मिलता है। और हम पहुंच चुके हैं अभी जूना फॉल्स में, तो चलिए मैं आपको यहाँ के दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे कोई खास भीड़ नज़र नहीं आ रही है। इसके दो ऑल्टरनेट रास्ते हैं, एक रास्ता सीढ़ियों की तरफ से है और एक रास्ता जो हम अभी आए हैं। तो चलिए मैं आपको, बारिश काफ़ी हो रही है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बारिश दो दिनों से रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये दोस्तों एक छोटा सा ब्रिज है और आपको मैं यहाँ से दूर से जूना फॉल्स का यहाँ आपको व्यू दिखा रहा हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है और रांची के हर वाटरफॉल्स में आपको भरपूर पानी मिलेगा अभी क्योंकि अभी साइक्लोन का वेदर है। और नीचे आप देखिए पानी का फ्लो, और मैं इधर भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से नदी में पानी ये बह जा रहा है। और यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर आपको कोई और विजिटर, यहाँ कोई और टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है। और आज इधर में शायद ये इतना पॉपुलर फॉल्स नहीं है जितना कि दशम है, फिर भी ये देखने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो फॉल्स है ये रारू नदी है और इसकी भी जो ऊँचाई है, जो वाटरफॉल की ऊँचाई, वो लगभग ये भी 150-160 फीट के उस आसपास में है। रारू नदी का अभी रूप देख रहे हैं जो कि आप अगर ठंड के मौसम में आएंगे तो ऐसा शायद आपको ये रूप नहीं नजर आएगा। तो पानी का फ्लो आप देखें उधर भी था और इधर, और दोनों यहाँ कंबाइन होकर व्यू जो है आपको लाजवाब यहाँ व्यू मिल रहा है। और चारों तरफ घने घने यहाँ जंगल आपको नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए जो वहाँ जो सीढ़ियाँ आती है, मैं उधर से आपको दिखा दे रहा हूँ जहाँ से वो बच्चे आ रहे हैं, ये ऊपर से सीढ़ियाँ आती है जहाँ से हमने वो टर्न लिया था। और यहाँ भी लगभग 500-600 के आसपास यहाँ सीढ़ियाँ हैं और इस सीढ़ियों से आकर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और आकर उस पॉइंट पर जहाँ पर हम उधर ने गाड़ी पार्क की है उस तरफ से। तो ये पूरा जंगल से भरा ये फॉल्स है और सीढ़ियाँ भी उसी तरह से घुमावदार है। तो आपको मैं इधर का एक व्यू दिखा देता हूँ, आप शोर सुनिए, नदी का शोर देखिए, उसे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह का ये यहाँ पर वाटरफॉल का आज भयानक रूप है। और मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, देखिए आज रारू नदी
वाकई में आज रारू नदी अपना जो असली रूप है वो धारण किए हुए है। तो बहुत ही अच्छी लाजवाब जगह, हमने इसे देखने का जो हमारी जो लालसा थी और हमने जो कैलकुलेशन जो रिस्क लिया उस रास्ते से आने का, तो हमें खुद डर लग रहा था, लेकिन चलिए हमारी जो मेहनत है वो सक्सेस से शुरू हुई। आप लोग को भी अगर आइए इस फॉल्स को देख सकते हैं, क्योंकि रांची में ये तीन मुख्य वाटरफॉल्स हैं, दशम, जूना और हुडरू। तो ये जो सीढ़ियां मैं आपको बताना भूल गया, ये सीढ़ियां जो ऊपर से आ रही हैं ये भी लगभग 750 सीढ़ियां है, जैसे हुडरू की हैं उसी तरह इस जंगल में आप जो देख रहे हैं, ये पहाड़ देख रहे हैं जंगलों का, इसी रास्ते से आपको वो सीढ़ियां वहां से आकर यहाँ आती है। तो ये रारू नदी को पर आगे ये रारू नदी का फॉल देखने के लिए आपको अगर सीढ़ियों से आना है तो 750 सीढ़ियाँ हैं, उसी रास्ते से आप आइए, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए हैं वो थोड़ा क्या कहेंगे उससे, वो रोड ठीक नहीं है, वो अभी कच्चा पक्का रोड है, इसलिए अभी बरसात के मौसम में वो रिस्की होगा। तो ये एरियल व्यू मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, तो दूर तक आप पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे हैं। देखिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, उस तरफ कुछ अभी टूरिस्ट वहाँ पर आए हुए हैं जो सीढ़ी की तरफ से आए हुए हैं, और वो वहाँ के व्यू कर रहे हैं, क्योंकि मैं उधर नहीं जा सकता, मुझे सीढ़ियाँ से जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ का एक व्यू देखिए इस जूना फॉल का। देखिए ये बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं, ये जूना फॉल्स की सीढ़ियाँ जो ऊपर हैं, रोज 750 सीढ़ियाँ चढ़कर और 750 सीढ़ियाँ आप लोग आकर ये अपने गांव से स्कूल जाते हैं, बहुत ही बहादुर बच्चे हैं। तो बच्चों एक बार कुछ बोलो, थैंक यू, ठीक है, बढ़िया से पढ़ो और उन्नति करो, ठीक है, चलो। तो दोस्तों ये था हमारा जूना फॉल्स का व्यू, जो हमने आप लोगों के लिए ये आप वीडियो बनाई, और आपको यहाँ का जो हर पहलू है, हर पहलू को हमने यहाँ आपको दिखाने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहूँ। तब तक दोस्तों गुड बाय, जय हिंद।